Hi students, good evening. My name is Sunny Pathak and I'm from the Symmetrix Consulting Private Limited, Gurgaon, one of the technology partner in AI, data science, data analytics. University ने जो program launch किए हैं ये information सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो admission देख रहे हैं BTech CSE, BCA, MCA, specialization track in AI, artificial intelligence, machine learning, MBA in data science, data analytics and data visualization. BBA in Data Analytics and Data Visualization, BTech CSE in Data Science and Data Analytics. ये उन सारे बच्चों के लिए है जो 12th के बाद अपना कैरियर देख रहे हैं या BCA करके MCA देख रहे हैं या BCA में एडमिशन देख रहे हैं MBA में. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है, मेरे पास डेली के कॉल्स आते हैं, इसलिए मैंने ये टेक्निकल काउंसलिंग आप लोगों के लिए बनाई है. जिनके पेरेंट्स या जिनके ब्रदर्स, जिनके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स में हैं, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए कि AI डेटा साइंस की डिमांड क्यों इतनी हाइप है, क्यों इतनी ज़्यादा है, राइट? क्यों आज स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं है कि 8th और 9th क्लास में CBSE ने इम्प्लीमेंट कर दिया है AI और डेटा साइंस एज अ इम्प्लीमेंट, एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट. यानी जो स्टूडेंट अब ये सोच रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट होता है, सर AI मैं क्यों करूँ, मैं प्लेन कर लेता हूँ, राइट? सर मैं RGPV से कर लेता हूँ बस, या जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होती है, AKTU या उनसे, मैं इनसे बस डिग्री ले लेता हूँ, बाद में देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि बीटेक सीएसई के जो बच्चे हैं वो 8 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं IIT और NIT को हटा के. BCA, MCA कितने, 5 लाख और 4 लाख ऑल ओवर इंडिया से पास आउट होते हैं. लेकिन जब आप पीछे जाओगे अपने, तो आज से जो पिछले साल से 11th क्लास का बच्चा पाइथन पढ़ रहा है, तो वो आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज से कहेगा कि सर पाइथन तो पढ़ लिया मैंने, आगे बताइए आगे क्या करवाएंगे, राइट? AI डेटा साइंस 6th और 7th क्लास में कोडिंग पढ़ रहे हैं बच्चे, 7th, 8th, 9th क्लास में CBSE ने डेटा साइंस इंप्लीमेंट कर दिया है. IIT जोधपुर, IIIT हैदराबाद, IIT रुड़की ने बीटेक सीएसई AIML लॉन्च कर दिया है, MTech और PhD AI में लॉन्च कर दिए हैं. यानी जो बीटेक सीएसई AI वाला जो बच्चा पढ़ रहा है, जो आपके एग्जिस्टिंग जो लास्ट ईयर से पढ़ रहे हैं और जो आपके सीनियर्स हैं BCA MCA, यानी वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी पर पढ़ रहे हैं वो रेगुलर क्लासेज हैं. यस, ये जो प्रोग्राम है ये फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर तक पूरे 4 साल का बीटेक, बीसीए 3 साल का, पूरा रेगुलर स्पेशलाइजेशन ट्रैक जो इसमें चलेगा वो रेगुलर क्लासेस, ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा दिया या फिर 2 महीने में 2 बार आ गए या 6 मंथ्स में 1 बार. ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी, फेस टू फेस सेशंस होंगे फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, और ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड. इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर से फाउंडेशन ऑफ AI, फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस प्रोसेसेस जो प्रोजेक्ट्स में यूज होंगे, फाउंडेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, हमने फर्स्ट सेमेस्टर डेटा दे दिया है, यानी डेटा में काम करना पड़ेगा. और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CBSE को जब लगा, तो उसने अभी लास्ट वीक ही इंप्लीमेंट किया है, CBSE ने डेटा साइंस को इंप्लीमेंट कर दिया एज अ मैंडेटरी इन 8th एंड 9th क्लास. तो आप सारे बच्चों को ये समझना पड़ेगा, क्या आप आउटडेट होना चाहते हो या अपडेट होना चाहते हो. सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग से काम नहीं बनता, ये 4 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स का फुल टाइम प्रोग्राम है. 2 इयर्स मीन्स MCA MBA, 3 इयर्स BCA BBA एंड BTech. सो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये सारे स्टूडेंट्स को, कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हो क्या उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी है. कई स्टूडेंट्स को ये मालूम है, सर मैं AI क्यों करूँ, ये तो इसमें जॉब्स हैं कि नहीं है, मैं प्लेन कर लेता हूँ. आपको ये समझना पड़ेगा कि WhatsApp, Gmail से लेके YouTube, Netflix, Uber, Ola से, Make My Trip से, PhonePe, Byju's, Vedantu से लेके Grofer या Pharmacy से जब आप ऑर्डर करते हो, YouTube पे, Netflix पे जब आप दोपहर में वीडियोज़ देख रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें AI इनेबल्ड डेटा साइंस इसमें यूज़ हो रहा है, राइट? आप WhatsApp पे लिखते हो हाई अमित वेयर आर यू या डियर सर आई एम नॉट एबल टू अटेंड टुडे क्लास. आपने देखा होगा अगर वर्ड जब लिखते हो रिकमेंडेड वर्ड्स आने लगते हैं. YouTube पे आप दोपहर में बैठे कॉमेडी शो है आपको पसंद आ रही, लेकिन रात को 10 बजे बैठ के आपको हॉरर शो पसंद आए, वहाँ पे AI कैसे काम कर रहे हैं? तो आपको यूज़र की तरह काम करना है या आपको पीछे डेटा इंजीनियर की तरह काम करना है? ध्यान रखिए, जो इसमें बीटेक सीएसई प्लेन में जो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे BCA MCA MBA, वो सारे सब्जेक्ट्स आप बीटेक सीएसई AI में भी पढ़ोगे. लेकिन जो बीटेक सीएसई AI या BCA डेटा साइंस या BCA AI, MCA AI में पढ़ोगे, वो प्लेन में नहीं पढ़ोगे. सो दैट्स वाई दिस इज द एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, ठीक है? एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर तक दे रहे हैं, इसके एग्जाम्स होंगे, रेगुलर क्लासेस होंगे, और ये क्लासेस सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेंगे. स्पेशलाइजेशन ट्रैक जिसमें 10 से 12 सब्जेक्ट्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर तक दिए हैं, डेटा एनालिसिस इन पाइथन, मशीन लर्निंग, प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग, स्टैटिस्टिक्स, आर प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा विजुलाइजेशन, डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेवऑप्स, ये सारे टैबलू, ये सारे हमने सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा एड ऑन इंडस्ट्री टेक ओवर करेगा इन्हें फर्स्ट सेमेस्टर से, वो भी फेस टू फेस. ये सबसे बड़ा फीचर हम जो दे रहे हैं सिमेट्रिक्स, एक सब्जेक्ट आप 2 एक्सपर्ट से पढ़ोगे. फॉर एग्जाम्पल, एक
एक्सपर्ट जो आपके कैंपस में आ रहे हैं, और दूसरे जो आपको LMS दिया जा रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, विच इज प्योर AI इनेबल्ड प्लेटफॉर्म जो हमने पाइथन पर बनाया हुआ है, और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपने सारे बच्चों को, जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, पजल्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है इन एवरी इंडस्ट्री। अगर हमारे यहाँ आज के इंजीनियर्स में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, कि वो डेटा को समझना नहीं चाहते, वो स्टेटस को समझना नहीं चाहते, बस वो एक प्रोग्रामिंग कर ली 5-6 लाइन की, 10 लाइन की, बस आउटपुट निकाल दिया, हो गया। लेकिन जब मैं मेडिसिन का डेटा दूंगा, ऑटोमोबाइल का, FMCG का, ऑटोमोबाइल का, यानी यहाँ से बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी क्या निकल रही है। जावा डेवलपर, SQL डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जैसे हमारा BTech एलिजिबल है, वैसे हमारा AI वाला बच्चा भी एलिजिबल है। तो ये माइंड से हटा दो कि जब बच्चा कहता है CSE में एडमिशन लिया, AI में, आप अलग मत करो। BTech CSE एक प्रोग्राम है और BTech CSE प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग दूसरा प्रोग्राम है। कई बच्चे माइंड में करते हैं, सर मैं डिग्री के बाद कर लूँगा, तो करूँ। 2,80,000 11 मंथ्स का प्रोग्राम, 2,80,000 प्लस GST के साथ है बाहर, अगर आप फेस टू फेस 11 महीने करोगे, ये 4 साल का प्रोग्राम है विद अ वेरी मिनिमल वैल्यू इन द मनी वे। सो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास आर पाइथन, आर प्रोग्रामर, आर एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट, डेटा एसोसिएट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI इंजीनियर, टैबलू डेवलपर, आर प्रोग्रामर, आर एनालिस्ट, पाइथन डेवलपर, पाइथन एनालिस्ट, ये जितने भी प्रोग्राम है, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिटिक्स, डेटा विजुलाइजेशन एक्सपर्ट, ये सारे प्रोफाइल के लिए मेरा AI वाला बच्चा रेडी हो रहा है, चाहे वो KPMG हो, ऑटोमोबाइल हो, या फूड इंडस्ट्री स्विगी जोमेटो हो, या मेक माई ट्रिप, गोइबिबो या त्रिवागो, या आप पेटीएम में जाएं, या फिर आप एग्रीकल्चर या फार्मा कंपनी। अभी रिसेंटली पिछले साल ग्रेटिसॉल एक फार्मा कंपनी है बैंगलोर की, जिसने सारे 800 बच्चे इंजीनियर्स उठाए थे AI के, जिसमें 400 टू 500 फ्रेशर्स थे, 300 के प्रोफेशनल। लेकिन आप ये देखिए, एक मेडिकल लाइन भी कंपनी इंजीनियर्स को उठा रही है। हमारे बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप रिसर्च में नहीं आ सकते, हायर स्टडी में नहीं आ सकते, या स्टार्टअप क्रिएट नहीं कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी जो बच्चा कहता है कि मैं तो स्टार्टअप क्रिएट करूंगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है स्टार्टअप कैसे क्रिएट करना है, बस एक ऐप बना दिया, वेबसाइट बना दी, हो गया स्टार्टअप। स्टार्टअप में फंडिंग तब मिलती है इन्वेस्टर के थ्रू जब आप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, साइंस यूज़ कर रहे हैं। AI इज़ द साइंस, AI इज़ नॉट द रोबोटिक्स, AI इज़ नॉट द रोबोटिक्स, डेटा साइंस इज़ नॉट द रोबोटिक्स, राइट? तो ये आप डिपेंड करिए कि आपको रिसर्च में जाना है, हायर स्टडीज़ में जाना है, IIIT हैदराबाद, IIT मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग गिवन द MTech एंड द PhD इन AI इन डेटा साइंस। सेकेंड पॉइंट, आपको अगर रिसर्च में जाना है, सबसे ज़्यादा AI में रिसर्च हो रही है, राइट? आरोग्य सेतु ऐप में, कोविशील्ड, कोवैक्सीन्स, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, सब AI यूज़ कर रही हैं। आपको जॉब्स में मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मेरे प्लेन वाले बच्चे को 10 अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरे 40 अपॉर्चुनिटी मेरे AI और डेटा साइंस वाले बच्चे को मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, आप naukri.com पे जाइए, जो कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर से जब आपको कंटेंट आएगा, तो उसमें जॉब प्रोफाइल भी आएंगे। उन जॉब प्रोफाइल को आप naukri.com जॉब पोर्टल्स और उस पर कनेक्ट करके देखो, अपने रिलेटिव जो आपके TCS या Deloitte में होंगे, उनको आप चेक करिए, तब आपको मालूम चलेगा। अगर मैं 2014 में MobiQuick में था, MobiQuick इज़ वन ऑफ द पेमेंट इंडस्ट्री कंपनी, और उस इंडस्ट्री में जब मैं काम कर रहा था 2014, आप सोचिए, आप लोग तो 2024 में BCA वाले पास आउट होंगे, 2025 में BTech वाले पास आउट होंगे। 2014 में एक गौरव किंद्रा करके गाय था, मेरा कलीग, वो पाइथन पे काम कर रहा था। यू नॉट बिलीव, मतलब हम 10 साल बाद 2024 में जब पास आउट होंगे, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमें अपडेट होना पड़ेगा, राइट? ये डिसाइड आपके हाथ में है कि आपको आउटडेट होना है या अपडेट होना है। अगर आपके माइंड में है कि सर मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे डेटा में नहीं करना, मैं प्लेन ही ठीक हूँ, तो प्लेन तो फिर बाकी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी कर रहे हैं। तो जिनके माइंड में ये बिल्कुल आ गया है माइंड में कि नहीं सर, मैं तो बस RGPV से डिग्री ले लूँगा, या मैं उससे डिग्री ले लूँगा, बाद में देखूँगा, तो ये बच्चों को पहले देखना पड़ेगा। इस कंटेंट को आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, इस कंटेंट को देखिए, समझिए, और अगर फिर भी मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है, तो हम जूम पे लाइव अवेलेबल रहेंगे ऑन एवरी वीकेंड, राइट? यू मे कनेक्ट टू द यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर, जिसमें आपको पहले ही क्यूरिकुलम आपको दिया जाएगा। क्यूरिकुलम को देखो कि फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर तक क्या दे रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन अपने माइंड में रखना, किससे पढ़ाओगे, जब भी कहीं जाओ तो पूछो, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट, अगर अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला, तो आपको पूछना चाहिए किससे पढ़ाओगे, कब से पढ़ाओगे और कैसे पढ़ाओगे। कहीं ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा दोगे? प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास या नहीं है, या ज़बरदस्ती बस थ्योरिटिकल पढ़ा के निकल जाओगे?
तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, देयर इज अ लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स जहाँ पे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन बच्चे को करने पड़ेंगे, चाहे वो डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, डेटा विजुलाइजेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या डेवऑप्स या डेटा इन पाइथन या डेटा एनालिटिक्स जितने भी हैं, या हडूप या पिग या हाइव या आर प्रोग्रामिंग. सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप सेफ, कीप हेल्दी एंड अपने फ्यूचर और कैरियर के लिए थोड़ा सा सीरियस रहिए, क्योंकि सही प्रोग्राम में अगर जाओगे तभी इसकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी. थैंक यू, टेक केयर.